भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे, लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूर संचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे। महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया।